हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो उम्मीद है कि आप सभी सही हैं और स्वस्थ हैं। तो कल सुबह मैं निकलने वाला हूँ मेरे एक आउटडोर पेंटिंग में। तो चलिए आप सभी के साथ मैं शेयर करता हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैं यूज करने वाला हूँ, क्या मेरा ड्राइंग का मटेरियल्स है, कौन सा कलर मैं यूज करने वाला हूँ और मेरा जो SL ड्राइंग का SL है वो कौन सा मैं यूज कर रहा हूँ। तो चलिए आगे वीडियो में बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, सबसे पहले ड्राइंग करने के लिए तो मस्ट यू हैव टू कीप अ बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड और उसके साथ ही पेंसिल और इरेजर और मेरा कलर देख सकते हैं आप, कैमलिन का आर्टिस्ट वाटर कलर 12 शेड्स का। ये देखिए, ये ड्राइंग बिगिनर्स हो या फिर आर्टिस्ट हो उसके लिए एकदम परफेक्ट कलर है ये। जितना भी आप स्टूडेंट कलर देखिए, ब्रश स्ट्रोक कलर देखिए, कैमलिन का आर्टिस्ट वाटर कलर एकदम मस्त है। और ये मेरे एक्स्ट्रा यूजेस के लिए है, दो बिग ट्यूब्स मैंने खरीद कर रखे हैं, लेमन येलो और सैबरिन के। और ये पैलेट मैं यूज करता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लूंगा मैं और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इरेजर और पेंसिल भी मैं बैग में रखता हूँ। और जो ब्रश है मेरा, मैं इन्हीं दोनों ब्रश से काम करने वाला हूँ, इन्हीं दो ब्रश से मैं कल काम करने वाला हूँ। ये है 2 नंबर का सोनाई का सेट 7 और ये है 6 नंबर का सोनाई का। और आगे देखिए, ये मैंने अपना एक ड्राइंग कॉपी मेरे साथ रखा है ताकि अगर कल सुबह मुझे पेपर रोल नहीं मिले तो मैं इसी से पेपर लूँगा। तो चलिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अभी तो आपने देखा कि मेरे ड्राइंग का जो स्केचिंग और कलरिंग का जो सामान है, अब चलिए मैं दिखाता हूँ ड्राइंग के लिए मेरा जो SL चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये है मेरा ड्राइंग SL, इसे मैंने अमेजोन से खरीदा था। तो इसके थ्रू मैं आउटडोर पेंटिंग करता हूँ। तो चलिए आप सभी को मैं ये दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पे हैंडल है इसको पकड़ने का और इधर देख सकते हैं आप, इसको अप डाउन कर सकते हैं, इससे यहाँ पे लॉक दिया हुआ है। ये देखिए, ये आपका एक हाइट एडजस्टमेंट है आपका बोर्ड रहने के लिए। इधर आप इसे ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे इसका लेग दिया हुआ है। तो ये रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है बोर्ड के लिए एडजस्टमेंट और ये आप बोर्ड यहाँ पे रख के इसको लॉक कर सकते हैं ताकि आपका थोड़ा सुविधा हो। तो इसको हम इससे नीचे कर लेंगे, इधर आपको एक छोटा सा कॉम्पास टाइप का देखने को मिलेगा जहाँ पे डायरेक्शन शो करता है। और ये यहाँ पे आपको लॉक करने के लिए और यहाँ पे आप छोटा मोटा कुछ भी अपना पैलेट जो कलर करने के लिए पैलेट में वाटर यूज करते हैं वो वाटर यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे छोटा मोटा कुछ बैग भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा SL। तो कल मैं इसी के थ्रू अपना आउटडोर पेंटिंग करने वाला हूँ और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो कल के वीडियो के लिए इंतजार कर और उम्मीद रखता हूँ कि आज का ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।